नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सर छोटू राम और छज्जू राम पर टिप्पणी के विरोध में सांसद दुष्यंत चौटाला और राम कुमार गौतम के खिलाफ जाट समाज के विभिन्न संगठन और किसान युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। जाट समाज के लोग करनाल रोड पर बाईपास पर एकत्र हुए और सबसे पहले सर छोटू राम चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात समाज के सभी लोग करनाल रोड पर प्रदर्शन करते हुए निकले और लघु सचिवालय में जाकर के वहां पर पुतला फूंका। काला प्यौदा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला और राम कुमार गौतम ने सर छोटू राम पर टिप्पणी करके समाज की भावनाओं को आहत किया है। वहीं अनिल तंवर कोडक ने कहा कि जाट समाज इन दोनों नेताओं को माफ नहीं करेगा, चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने सर छोटू राम को गद्दार कहा है और उनकी इस टिप्पणी से समाज गुस्से में है। इन दोनों ही नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। सर छोटू राम जैसे समाज सुधारक सभी बिरादरी के लिए सम्माननीय होते हैं और इन पर टिप्पणी करने वालों को समाज नहीं छोड़ेगा। वहीं इन नेताओं को चुनाव में जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। इस अवसर पर जाट के समाज के सभी लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं पलपल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। इन्होंने गौतम को पार्टी से नहीं निकाला तो हर एक चौक चौक पर गली गली में प्रदर्शन करेंगे और हम सारा जाट समाज, ये पार्टी का नहीं था, ये पूरा जाट समाज का और छत्ती बिरादरी का प्रदर्शन था। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम दुष्यंत चौटाला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गौतम के खिलाफ और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ। आज जो पुतला जलाया गया है वो इस उपलक्ष्य में जलाया गया है क्योंकि 23 मार्च को शहीद दिवस मना रहे थे जेजेपी वाले, और जेजेपी वाले नेताओं ने राम कुमार गौतम ने एक ऐसा बद्दा बयान दिया। उसने कहा कि भी जितने भी जैलदार, राव, नंबरदार और सर की उपाधि वाले लोग हैं वो सभी देश के गद्दार थे, जबकि ऐसा आप सभी लोग जानते हैं और सारा देश और छत्तीस बिरादरी के लोग जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई एक आध आदमी गंदा हो इसके लिए सभी समुदाय सभी समाजों को तो गंदा नहीं कहा जा सकता। इसी बयान का दुष्यंत चौटाला ने समर्थन किया और उसने कहा जो दादा ने बात की है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस वजह से सारा समाज, सभी किसान जाति, सभी समस्त छत्तीस बिरादरी के लोग आहत हैं। इसी के खिलाफ रोष स्वरूप आज हमने प्रदर्शन किया और हम मांग करते हैं या तो दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे, राम कुमार गौतम को पार्टी से निकाले। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर गली चौक मोहल्लों में दोबारा से ऐसे ही उनके खिलाफ जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, एजिटेशन कर देंगे, यही हमारी मांग। प्रदर्शन किया गया, किस लिए किया गया? मैं राम कुमार राणा क्षत्रिय समाज कच्छल का प्रधान हूँ। आज दुष्यंत चौटाला ने जो शहीदी दिवस पर जो शहीदों के खिलाफ दुष्यंत चौटाला और राम कुमार गौतम ने बयान दिया है, सर छोटू राम किसानों के मसीहा थे, उन्होंने छत्तीस बरादरी का किसानों का भला किया है, भेड़ बकरी और जो बाघड़ा बांध जिस पे आज हमारा पानी आता है वो छोटू राम की देन है, जो सेठ छज्जू राम जिसने भगत सिंह को कलकत्ता से अपनी गाड़ी में बिठाया और भगत सिंह जैसे युवक का साथ दिया जिसने देश को आज़ाद कराया उनको आज, और राव तुलाराम जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिसके आज हिंदुस्तान में जगह जगह स्टैचू है उनका दुष्यंत चौटाला ने अपमान किया है। हम मांग करते हैं सुमित्रा महाजन जी से उनको एमपी के पद से हटाया जाए, और मेरी हरियाणा वासियों से मांग है कि जहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े इन शहीदों का नाम लेकर उस दुष्यंत चौटाला को हराया जाए, यही एक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज कितने किसलिए पुतला जलाया गया जी? आज हम छत्ती बिरादरी के संगठन, चाहे उसमें किसान यूनियन की बात हो, चाहे उसमें जाट सभा की बात हो, चाहे ब्राह्मण सभा की बात हो, चाहे गुज्जर सभा की बात हो, जितने भी हमारे कैथर के संगठन हैं, हमें सभी संगठनों से मैसेज दे के यहाँ बुला इकट्ठे किए और हमें रामकर गौतम जी का पुतला फूका। उन्होंने सर छोटू राम छत्ती बिरादरी के नेता थे, उन पर ऐसी प्रकार की कोई बातें कही हैं जो समाज के लिए शोभनीय है, निंदनीय है, हम उसका पूरा जोर विरोध रामकर जी का विरोध करते हैं। कभी भी ऐसी गलत टिप्पणी किसी पर नेता पर नहीं करनी चाहिए। छोटू राम हमारे छत्ती बिरादरी के नेता थे, इसलिए हमें छत्ती बिरादरी के संगठन बना के आज रामकर गौतम जी का और एमपी साहब का पुतला फूका है। हम आगे भी जारी रखेंगे विरोध, जब लगे हाथ जोड़ के समाज से माफी मांगते हैं।